दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दिल्ली क्राइम न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं हरिवंश राय जी की बच्चन जी के कविता के चंद पंक्तियों से आज का जो है इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहूँगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के कश्ती कभी पार नहीं होती। जी हाँ, आज हम आए हैं रामनगर 2 ग्राम पंचायत, जो कि नदिया ज़िला में है। यहाँ की निवासी श्रीमती सरस्वती सरकार जी, जिन्हें कि राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है, जैसे कि ये लेटर आप देख सकते हैं, ये लेटर मेरे हाथ में है। ये लेटर इनको आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, जो है वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से आया हुआ है। ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स, यहाँ का जो इन्हें लिखा गया है, नेशनल अवार्ड हैंडलूम वीवर्स फॉर द ईयर 2017 रिगार्डिंग फॉर द प्रोडक्ट जामदानी साड़ी, यानी जामदानी साड़ी के लिए कर्ता विभाग से हस्तशिल्प के लिए जो है वीवर्स अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और ये अवार्ड सेरेमनी मुख्यतः दिल्ली में होता है हर कोविड-19 के मद्देनज़र, कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने मतलब एहतियात के तौर पे ये डिक्लेयर किया है कि इस बार जो है ये अवार्ड सेरेमनी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में ही इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। छोटा सा गांव है जहां जो मेहनतकश दंपत्ति श्री रंजीत जी है और उनकी धनपत्नी सरस्वती सरकार, आज वो हमारे साथ मौजूद है। और ये जो लंबा सफ़र इन्होंने तय किया उसके बारे में हम इनसे आज वृत्तांत में जानेंगे। तो हम सबसे पहले सरस्वती देवी का स्वागत करते हैं। सरस्वती दीदी, अपना के हमरा दिल्ली क्राइम प्रेस से स्वागत हो जाना छी। अपनी जे ये राष्ट्रपति पुरस्कारटा पाच्छेन, जार चिठी एखाने एसछे, माने ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल थेके आमरा ई चिठिटा देखते पाच्छी, जेखाने लिखा आछे कि 2017 आपनाके एई पुरस्कारेर जन्ने ओरा आपनाके फाइनलाइज करेछे आपनार नामटा। एई सम्बन्धे आपनार कि बलार आछे? आपनि एई जे एई तातेर काजटा कबछर दिये करछेन, किंबा एई सम्बन्धे एकटु संक्षिप्ते एकटु डिटेल्स आमादेर एकटु जानान आपनि। আমি 35 বছর ধরে এই কাজটা করছি। আমার স্বামী তাঁতের সঙ্গে যুক্ত, অনেক স্বামী অনেক আগে থেকে, আর আমি 35 বছর ধরে এই তাঁতের কাজটা করছি। এবার বীরেনবাবুর সাহায্যই আর কি, আমরা বীরেনবাবু শিখিয়েছে আমাদের কাজ, বা আমার স্বামীও বীরেনবাবুর কাজ করে, এবার ওখান থেকে কাজ শেখা। এবার এই যেটাই আমি আর কি পুরস্কারটা পাচ্ছি, এটা বীরেনবাবুরই ডিজাইন, বীরেনবাবু আমাদের করিয়েছে। এর জন্য এটা আর কি দিল্লিতে গেছে, দিল্লির থেকে এবার ওইটা আর কি আমার নাম এসছে। এবার ওইটাও বীরেনবাবুই জানিয়েছে যে আমার এরকম, আমি এরকম সিলেক্ট হয়েছি। তারপরে এটা এসছে, এতে আমি খুবই খুশি, আমার স্বামীও খুশি, আমার ছেলেমেয়েও খুব খুশি হয়েছে। ওকে, ধন্যবাদ। আচ্ছা, সরস্বতীজি বল রই হ্যাঁ কি ইনকা জো হ্যায় পিছলে 30-35 সাল সে জো হ্যায় ইয়ে ইনকে হাজব্যান্ড কে সাথ জো কি রঞ্জিত জি হ্যায় उनके उन्होंने इनको ये काम सिखाया है। जब उनका शादी हो के वो परिवार में आई, और पिछले 35 साल से तकरीबन ये लोग जो है उद्योगपति और जो यहाँ के कलकत्ता हैंडलूम के जिनको ताइकून कहा जाता है, श्री बीरेन बशाक, बीरेन चंद्र बशाक, जो कि एक नाम से जिनको सब जानते हैं, और उन्हें जिन्हें कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, उनके साथ मिलके उनके साथ ये काम करते हैं। और जो 2017 में जिस पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है, यानी जामदानी साड़ी के कैटेगरी में इनको सिलेक्शन हुआ है, और उसके लिए ही 2017 वर्ष का साल का इनको जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत जो किया जा रहा है, जामदानी साड़ी के लिए किया जा रहा है। और ये और इनके हस्बैंड जो है रंजीत जी है, बीरेन बशाक जी के लिए ही काम करते हैं, और वो जो डिज़ाइन भी बीरेन बाबू का ही है। कहीं ना कहीं जब आदमी स्टार्ट करता है तो उसके लिए काफ़ी सारी सामाजिक एवं
आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिसके चलते इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। बट कहीं ना कहीं इसके इस उतार चढ़ाव के समय में, इस ख़राब समय में, इनके पति श्री रंजीत कुमार जी और जो इनके सरपरस्त है बीरेन बाबू बीरेन बसाक जी का, इनका इनके ऊपर हमेशा सपोर्ट रहा, हाथ रहा, और जिसके चलते आज उन्हें ये मुकाम मिला है और आज इन्हें ये पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके लिए इनमें काफ़ी खुशी है। अच्छा सरस्वती दीदी, अपनार बाड़ी ते के के आछे? आमार स्वामी आछे, छेले मेये। अच्छा, छेले की करेन आपनार? छेले बीए पास करे सीआईएसएफ पे चाकरी करे, आर मेये एमए पास करे बसे आछे, चाकरी होइनि। अच्छा, ओके। इनके परिवार में जैसे कि अभी इन्होंने बताया दीदी ने कि इनके हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ इनके एक लड़का और एक लड़की है। लड़का वो देश सेवा में कार्यरत है, सीआईएसएफ में है, उनकी पोस्टिंग अभी उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग है, और जो इनकी जो लड़की है वो अभी एमए पास करके फ़िलहाल वो अभी घर पर ही है, इनका सहयोग कर रही है। अच्छा, अभी हम रंजीत जी से पूछेंगे, इनके हस्बैंड है, कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अच्छा रंजीत दा, ये जे पुरस्कार पाच्छेन अपनार वाइफ, तो अपनार इस सम्बन्धे की बोलार आछे, किंबा अपनार एर पिछने कतटा माने सहयोगिता, कतटा अपनार एर पिछने हाथ आछे जे इनी पुरस्कार पाच्छेन? पुरस्कार पेयेछि एर जन्य खूब आमि खुशी, खूब गर्वित, जेहेतु आमादेर गोटा भारतवर्षेर भितरे इनि एकटा बड़ एकटा सम्मान पेयेछे, तार जन्य आमि खूब गर्वित, খুব আমি এতে মানে খুশি। বা আমার বিয়েন্দা, বিয়েন্দাকেও খুব আমি খুব ভালো জানি, ভালো বলি যে যার জন্য বিয়েন্দার জন্যই আমাদের এই কাজটা, ওনার জন্যই আমাদের অ্যাকচুয়ালি পেয়েছি, বা ভারত সরকারকে আমি अभिनंदन जाने। अच्छा ओके, जैसे रंजीत जी ने बोला कि ये जो इनको जो पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसके लिए वो जो परिवार काफ़ी ही गर्व महसूस कर रहे हैं, और ये सही में काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति जो पुरस्कार है, महामहिम के हाथ से एक पुरस्कार मिलना अपने आप में एक सम्मान की बात है, और ये बहुत ही एक खास बात है, और जिसके चलते परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल है, काफ़ी ये लोग खुश है, और बार बार जो है परिवार जो है जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि वीरेन बसाक जी, वीरेन बाबू का वो लोग तहे दिल से शुक्रगुजार है, जिनके प्रयासों से, जिनके सपोर्ट के बिना ये कभी भी संभव नहीं था, और ये उन्हें बार बार धन्यवाद कहना चाहते हैं। अच्छा, हमारे चैनल माध्यम अपनी ये जे तादतेर काज करछेन, हस्तशिल्पेर काज करछेन, लोकेदेर की एक मैसेज दीते चान, जेहेतु पुरस्कार पाच्छेन खूब ताड़ाताड़ी, तार अफिसियल कन्फार्मेशन चले एसेछे, चिठी चले एसेछे, एखन सबाई किन्तु आपनाके लक्ष्य करे आपनार कथा बोलबे, आपनी तादेर रोल मडेल हये दाड़ाबेन, तो सेई रोल मडेल हिसाबे आपनी लोकेदेर मध्ये की बार्ता दीते चान, किंबा जारा ए व्यवसार साथे जुक्त आछे, आपनादेर सहकर्मी किंबा তাদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের আপনি মানে মেসেজ দিতে চান, আপনি কি বলতে চান? আমি একই কথা বলতে চাই, তাদের কাজটা যে কোনো কাজ মানে ছোট না, মানে সবাইকে বলতে চাই কাজ করে খেলে কিছু হয় না, কিন্তু সবার কাছেই বলতে চাই কাজ যে কোনো কাজ করা ভালো। এবার তাদের কাজটাও সবাই করছে, এবার এটা সবাই আগে ভাবতো ছোট, তো কিন্তু কাজ তো কোনোটাই ছোট না। এবার যেমন আমি পেয়েছি কাজ করে ছেলে মেয়েকে পড়াশুনো করিয়েছি, এবার সবাই এরকম করুক বা সবাইকে। আর আমি একটা কথা বলতে চাই যে এই তাঁতের কাজে এই লকডাউনের জন্য পাঁচ মাস চার মাস ধরে লকডাউন চলছে, আমাদের এই এলাকায় সবাই তাঁতি, এই শান্তিপুর ফুলিয়া আমাদের হবিপুর সবাই তাঁত বুনে খাচ্ছে, এবার এর জন্য আমাদের এখানকার লোকের খুবই কষ্ট। হয়তো আমি আমার ছেলে কাজ করছে বলে হয়তো আমার একটু চলছে, কিন্তু আমাদের এই এলাকার লোকে খুবই মানে কষ্টে আছে। এর জন্য রাজ্য সরকারকেও আমি বলি একটু দেখতে, আবার কেন্দ্রকেও বলবো যে আমাদের এই কাজের প্রতি একটু দেখতে, মানে যাতে আমরা সবাই কাজ করে আমাদের পুরো ফ্যামিলিটাই মানে তাঁতের উপরেই চলে। এর জন্যই বলছি, মানে সবাইকেই বলছি, রাজ্যকেও বলছি বা মানে কেন্দ্রকেও বলছি, আমাদের এই কাজটা মানে লকডাউনের জন্য অন্য অন্য ব্যবসা চলছে, কিন্তু আমাদের শাড়ির ব্যবসাটা চলছে না। হয়তো বলবে তোমার ছেলে চাকরি করে, সেটা আমার ছেলে নয় করে, কিন্তু আমার মতো বহু লোক তাঁত বুনে খায় আমাদের হবিপুর ফুলিয়া শান্তিপুর, কিন্তু তাদের তো খুবই সংসার অভাবে চলছে। এটা আর কি রাজ্য সরকারকেও আমি অনুরোধ করব দেখার জন্য, আবার কেন্দ্রকেও বলবো
যেন আমাদের এই তাঁতের প্রতি একটু ওনারা ধ্যান দেয়। धन्यवाद दीदी। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे सरस्वती जी का कहना है कि इनके जो सहकर्मी हैं, जो लोग जो है तात शिल्प हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं सालों साल से, उनसे उनका यही कहना है कि अपना दिल छोटा ना करें, मन छोटा ना करें, कोई काम छोटा नहीं होता है, उसको पूरी शिद्दत से करे। उन्होंने जब 35 साल पहले यह सफ़र शुरू किया था, तब इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि तकदीर ऐसा रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी। आज 35 साल के बाद के लिए एक सपना साकार हो गया है, इसकी बात की खुशी है। प्लस ये दीदी का हमारे जो है न्यूज़ पेपर और न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील है कि इस COVID-19 जो महामारी जो पूरे विश्व और देश में फैला हुआ है, जिसके चलते काफ़ी लोगों का तकरीबन जो है रोज़गार ठप हो चुका है, और इसकी जो मार है सबसे ज़्यादा जो हस्तशिल्पकार है जो कि कपड़ा बुनते हैं, जिन्हें यहाँ ताती कहा जाता है यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, उनका जीवन यापन एकदम बंद सा हो गया है और वो काफ़ी तकलीफ में रह रहे हैं, जी रहे हैं। और हमारे माध्यम से इनका राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि सरकार सही मायने में इस मुश्किल के घड़ी में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हस्तशिल्पकार है, जो वीवर्स है, जो ताती भाई लोग हैं, ताती भाई बहन लोग हैं, उनके बारे में सोचे और उनका जो है ताकि वो जिससे सही ढंग से जीवन यापन चला सके और इस पेशे से जुड़े रहे, इसके लिए उन्हें सरकारी जो भुक्त योगदान या गवर्नमेंट सपोर्ट देने के बारे में सरकार से सोचे, यही इनका कहना है। हमारे साथ सरस्वती देवी की सुकन्या रमा सरकार है हमारे साथ। अच्छा, हम इनसे चंद सवाल पूछेंगे इस अचीवमेंट के घड़ी में, जब जहां उनकी माताश्री को, मम्मी को ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, उनका क्या कहना है, कैसा लग रहा है? अच्छा रमा, अपनार माँ जी राष्ट्र जातीय पुरस्कार पाच्छे, সেইখানে আপনার কি বলার আছে, কিরকম আপনাদের ফিলিংসটা কি, কি মনে হচ্ছে আপনার? খবরটা শুনে তো আমরা খুবই খুশি হয়েছি যে আমার মা আজ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেতে চলেছে। আর মায়ের হাতের কাজ দেখে যে ভারত সরকার আর মাকে সিলেক্ট করেছে জাতীয় পুরস্কার দেওয়ার জন্য, সেটা তো খুবই খুশির কথা। আর এই কথা শুনে আমাদের ফ্যামিলির সবাই আনন্দিত। আপনার মা যে 35 বছর আমরা শুনছি তাঁত বুনছে উনি, তো আপনি কখনো ভেবেছিলেন কি এরকম একটা দিন আসবে উনি যে এই ধরনের একটা জাতীয় পুরস্কারের যে উনি লাভ করবেন, জাতীয় পুরস্কারের জন্য ওনাকে মানে সিলেক্ট করা হবে, এই কথাটা কোনোদিন কখনো মাথায় এসেছিল কি, এই চিন্তা ভাবনাটা কোনোদিন এসেছিল মাথায়? না। আচ্ছা, আমরা ছোটবেলা থেকে দেখছি মা বাবা দুজনেই কাজ করছে, তাঁতের কাজ, এই করে আমাদের সংসার চালায়, আমাদের পড়াশোনা শিখিয়েছে। আমি এমএ কমপ্লিট করেছি, ভাই বিএ পাস করে এখন জব করে, তো কিছুটা হলেও আমাদের ভাই চাকরি পাওয়ার পরে সংসারের অচল থেকে সচল হয়েছে, অবস্থা একটু উন্নতি হয়েছে। যাতে ইনকা রামাজি কা কহনা হ্যাঁ কি इस जो इनका परिवार का रोजगार का जो जरिया था वो ये कपड़ा बुनते थे, इनके माता पिता जो तात का काम करते थे, ऐसे ही इन्होंने जो है परिवार को सपोर्ट किया, दोनों भाई बहनों को यानी अपने बेटे बेटी को इन्होंने जो काबिल बनाया, बेटा आज देश की सेवा कर रहा है, CISF में है, बेटी भी सुशिक्षित है, MA पास किया है उन्होंने, और वो सही मतलब रोजगार के मौके के लिए वो बैठी हुई इंतज़ार कर रही है। बट उनका एक ही कहना है कि इस तरह से जो इनको जो इतना बड़ा जो सम्मान मिलेगा, राष्ट्रीय सम्मान, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। बट कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के किस्ती कभी पार नहीं होती। इंसान का अगर जज्बा सही है, अगर उसके हौसले बुलंद है, तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। और उसका जो जीता जागता उदाहरण जो है हमारे सामने सरस्वती देवी बैठी है वो है, और उन्होंने जिस तरह ये संघर्ष किया अपने हस्बैंड के साथ, पिछले 35 साल से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ उनके इस जज्बा को सलाम करती है। और आज के सामने जो है खुशहाली के दरवाजे खुल गए हैं। हम उनकी सुपुत्री रमा से और पूछना चाहेंगे, अच्छा अपनर की कोनो प्लान आछे कि एर परे कोनो माने फैशन डिजाइनिंग है जावा किंबा मार जे परंपराटा व्यवसा जे अपना जे एटा बाड़ी जे व्यवसा कपड़े व्यवसा तातेर व्यवसा एटा के अन्य भावे नेक्स्ट लेवेले निये जावार मॉडर्न मॉडर्न चिंताधारार साथे नेक्स्ट लेवेले निये जावार कोनो अपना चिंताधारा आछे? এখনো তো সেরকম কিছু ভাবিনি,
আর মাও কোনো সময় ভাবেনি যে এই হাতের কাজ দেখে জাতীয় পুরস্কার পাবে, তো সেরকম আশায় ছিলও না। এখন যেহেতু এই পুরস্কারটা মা পেতে চলেছে, এবার দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয়। ओके धन्यवाद। इनका कहना है कि इन्होंने जैसे कि कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का बड़ा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, बट इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके माता पिता जी का संघर्ष, कड़ी मेहनत और ईमानदारी और लगन से जो इन्होंने काम किया, और जो वीरेन बाबू के साथ उनके मार्गदर्शन से इन्होंने जो उनका बात माना, उनके मार्गदर्शन में चले, उसका ही ये आज फल है, मेहनत का फल है। और बेटी का ये भी कहना है, जब मैंने उनसे पूछा कि आप फैशन डिज़ाइनिंग में ये जो जो अपने परिवार की जो परंपरा है, ये जो साड़ी का, ये जो तात का जो व्यवसाय है, इसको आगे लेने के जाने के नेक्स्ट लेवल में लेके जाने की इनकी कोई इच्छा है कि नहीं, तो इसके बारे में इनका कहना है कि फिलहाल तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। हाँ, अगर किसी तरह की आगे अपॉर्चुनिटी रही तो आगे वो उसके ऊपर गौर करेंगे। तो हम पूरे परिवार को, सरकार फैमिली को धन्यवाद कहना चाहेंगे। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम सरस्वती देवी से पूछना चाहेंगे कि वो हमारे माध्यम से जनता को और कुछ कहना चाहती है तो हम उनसे पूछना चाहेंगे। अच्छा दीदी, आपने किछु शेषे अपना देर हमारे चैनल माध्यम में अपनी कोनो किछु माने कोनो मैसेज देते चान, अपनी साधारण लोक के किंबा किछु बोलते चान अपनी? হ্যাঁ, বলতে তো চাই, আমি ধরেন দীর্ঘ এই 35 বছর ধরে যে কাজ করছি, সব কাজের জন্য বীরেন বাবু মানে ফুলিয়া চটকাতলা বীরেন কুমার বসাক, উনি আমাদের মানে সেই অনেক দিন আগের থেকেই আমাদের সাহায্য করছে সব কাজেই, যখন যা টাকা পয়সা লাগবে, যা যখন যা লাগবে, উনি আমাদের খুব হেল্প করেছে, এর জন্য ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। আবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার যে পাচ্ছি তাতেও সরকারেরও অনেক ধন্যবাদ, মানে আমি যে এত বড় একটা সম্মান পাচ্ছি তার জন্য বীরেন্দা আমার অনেক সাহায্য করেছে, ধরেন এই ডিজাইনটা দিয়েছে, বা দেখা যাচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে বহু ধরনের এরকম সাহায্য নিজের মানে নিজের লোকরাও কেউ করে না, উনি যেরকম করেছে খুব মানে সব দিক থেকেই। যেমন আমাদের নগদ টাকা নেই, হয়তো আমার 10,000 টাকা 20,000 টাকার মাল লাগবে, দাদা আমাদের বাকিতে দেবে, সেইটা দাদা আমাদের আমরা রোজগার করে ইনকাম করে দাদার পরিশোধ করি পরে, তাহলে এটা তো অন্য লোক আমাদের দেবে না, বা কলকাতাও যদি যাই সেটাও দেবে না, তবে দাদাই আমাদের সব কিছু করেছে, আমি ভগবানের নিচে ওনাকেই আমি ধন্যবাদ জানাই। ঠিক আছে দোস্তো, যাতে কি ইনোনে সরস্বতী দেবী নে কাহা হ্যায় কি কোই বি ব্যাপার মে जब कोई नया आदमी उसको चालू करता है, स्टार्ट करता है, जो प्रारंभिक जो है कठिनाइयाँ आती है और डे टू डे जो है वर्किंग में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, बट उन्हें उनका एक ही कहना है कि जो वीरेन बाबू है, वीरेन बसाक है, उनका हमेशा हाथ रहा है। और उनका ये भी कहना है कि ऊपर भगवान है और नीचे जो अगर कोई है तो उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए वीरेन बसाक जी है, जिन्होंने ना केवल उनके सिर्फ परिवार को हेल्प किया, मदद दी, आर्थिक मदद दी, हर तरह की तकनीकी मदद दी, या उन्हें सरकारी मतलब जब उन्हें परीक्षा देना था, एक जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, इनका जैसा शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उन्हें हर तरह का उन्होंने मदद मुहैया कराया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो इंसान हैं समाज में, उनको देवतुल्य है, और उनके वजह से इनके तरह हजारों परिवार जो है जो आज खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वीरेन बसाक जी जो है हजारों हजारों परिवार के मसीहा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। वो एक व्यापारी ही नहीं है बल्कि एक समाज सेवक के हिसाब से लोगों को, जो लोग अपने इस तात के व्यवसाय से जो मतलब हैंडलूम हथकरता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक मसीहा है, और वो अपने इन लोगों को अपने परिवार की तरह ही रखते हैं, अपने परिवार की तरह ही वो देखते हैं। हम दिल्ली क्राइम प्रेस की तरफ से सरस्वती सरकार जी का अनेकों अनेक धन्यवाद कहेंगे, और आने वाले समय में इस तरह के उनको और पुरस्कार मिले उसकी हम शुभकामनाएं देते हुए इनसे आज विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।